नमस्कार, आज हम आपको इस एलईडी ट्यूबलाइट और पुरानी चोक टाइप ट्यूबलाइट के लोडिंग का अंतर बताएंगे। ये जो ट्यूबलाइट है पूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 फीट की, और इलेक्ट्रॉनिक चोक इसी के अंदर है, बाहर हमें कुछ नहीं लगाना है। यहाँ से 2 तार आते हैं, ये वायर यहाँ तक था खाली, हमने इतना तार एक्स्ट्रा लगाया है जिससे हम सीधा सॉकेट में लगा सकें। यह ट्यूबलाइट एवरेडी की है, देखिए यहाँ लिखा है 20 वाट, तो ये 20 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट है। ये पुराने टाइप की इंडक्टर टाइप चोक वाली ट्यूबलाइट है। ये हमारा सेटअप है, ये पावर फैक्टर मीटर है, पीएफ मीटर। ये कनेक्शन एलईडी ट्यूबलाइट को जा रहा है, इसको हम इससे ऑन करेंगे, और ये वाला कनेक्शन चोक टाइप ट्यूबलाइट को जा रहा है, इस ट्यूबलाइट को हम इस स्विच से ऑन करेंगे। ये मल्टीमीटर एलईडी टाइप ट्यूबलाइट का करंट पढ़ेगा, और ये क्लैमीटर चोक टाइप ट्यूबलाइट की करंट पढ़ेगा। अभी दोनों ऑफ हैं। अब मैं एलईडी वाली ट्यूबलाइट ऑन करता हूँ। ये हमने एलईडी ट्यूबलाइट ऑन कर दी। पावर फैक्टर आ रहा है 0.99 और करंट आ रही है 85 मिली एम्पियर। मैं लिख लेता हूँ 0.99, 85 मिली एम्पियर। ये एलईडी वाली ट्यूबलाइट के डेटा हैं। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इस स्विच से चोक वाली ट्यूबलाइट ऑन करूंगा। अब ये पुराने चोक टाइप वाली ट्यूबलाइट हमने ऑन कर दी है, इसका पावर फैक्टर आ रहा है 0.56। मैं लिख लेता हूँ 0.56 और करंट आ रही है ये 0.3 एम्पियर, 317 मिली एम्पियर, 317 मिली एम्पियर। अब देखिए एलईडी में और चोक ट्यूबलाइट में कितना अंतर है। यहाँ सिर्फ 85 मिली एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ पे 317 मिली एम्पियर करंट आ रही है। और लाइट, ये जो एलईडी ट्यूबलाइट है 20 वाट की, या जो चोक है चोक टाइप ट्यूबलाइट है 40 वाट की, दोनों की लाइट एक ही है। एक ही लाइट के लिए एलईडी वाली सिर्फ 85 मिली एम्पियर 0.99 पावर फैक्टर पर ले रही है, और चोक टाइप की इससे बहुत ज़्यादा करंट ले रही है। इसका मतलब एलईडी ट्यूबलाइट बहुत बढ़िया है और इससे पावर सेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम दोनों ऑन करके देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या आता है, बीच का आना चाहिए। देखिए पावर फैक्टर 0.728 आ गया। अभी दोनों ऑन है, मतलब इसके और इसके बीच का पावर फैक्टर आ गया, और करंट अभी भी दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा पीएफ मीटर है ये कॉमन है, और ये अमीटर और क्लैमीटर है, ये दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं, टोटल करंट नहीं पढ़ रहे। अब ये एलईडी ट्यूबलाइट का केस है, और देखिए यहाँ लिखा है 50% मोर एनर्जी इफिशियंट एलिजेंट डिजाइन विथ T5 शेप। और ये आज की तारीख है जुलाई 2017 में, यहाँ लिखा है अपग्रेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप लाइट ट्यूबलाइट 36 वाट, उसका रेट लिखा है 367 रुपया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप चोक टाइप नहीं। और यहाँ लिखा है एलईडी बैटन 20 वाट, यह यहाँ लिखा है 349 रुपये।
मतलब इन दोनों का प्राइस करीब करीब बराबरी है, है? ये मैं आज जुलाई 2017 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको उतने ही पैसे में आपको एनर्जी सेविंग हो जाएगी। और यहाँ लिखा है अनब्रेकेबल विद फायर रिटार्डेंट पीसी बॉडी, इसकी जो बॉडी है अनब्रेकेबल लिखा है, यहाँ तीन स्टार लिखे हैं, यहाँ लिखा है अंडर स्टैंडर्ड यूसेज एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अनब्रेकेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपने ट्यूबलाइट ली और हथौड़ी से मार के तोड़ दिया, तब तो टूट ही जाएगी, है? नॉर्मल कंडीशन में यह नहीं टूटती है। इसका जो एलईडी लाइट 20 वाट की है, उसकी लाइट पावर है 2000 ल्यूमेंस। और इसका पावर फैक्टर कहीं लिखा होगा, ये देखिए पावर फैक्टर लिखा है 0.95, मगर अभी हमने चेक किया था 0.99 आ रहा है। वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा और पावर फैक्टर मीटर की एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगा, और हर एलईडी ट्यूबलाइट का पावर फैक्टर में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। और यह है 6000 के कूल डे लाइट। ये देखिए इसके साथ दो क्लैंप आए हैं एलईडी ट्यूबलाइट के साथ, मगर मैंने इन दोनों को यूज नहीं किया है, मैंने टेम्परेरी अरेंजमेंट करके दीवार में ऐसी टांग दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों हैं, ऊपर वाली पुरानी है और नीचे हमने ऊपर से लटका रखी है, धागे से बांध दी है, ये बहुत हल्की है। अब मैं दोनों को जला के दिखाता हूँ। मैं पुरानी अभी निकालना नहीं चाहता था, मैं देखना चाहता था कि दोनों कैसे जलती हैं। ये देखिए दोनों ट्यूबलाइट ऑन है, मैंने पुरानी वाली नहीं निकाली है, जो ऊपर वाली लपलपा रही है वो पुरानी चोक टाइप है, और नीचे वाली जो लाइट जल रही है वो एलईडी टाइप है। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।